नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम चौधरी आज फिर लेकर आया एक और शानदार वीडियो। और आज मेरे साथ एक नए दोस्त ने मुझे ज्वाइन करा है जिनका नाम है अमित यादव। तो आज हम चल पड़े हैं आगरा की तरफ। आगरा नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे क्या देखने जा रहे हैं। यस, ताजमहल। कोरोना काल के चलते ताजमहल की टिकट ऑनलाइन कर दी गई है दोस्तों, जो बहुत ही सही स्टेप है। क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तब आया था, बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा था। और उस टाइम की फ़ोटो भी मैं दिखाता हूँ। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टिकट की साइट भी मेंशन कर दी गई है, जिसमें अगर सिर्फ आपको ताजमहल देखना हो तो 50 रुपीज़, अगर ताजमहल के अंदर विजिट करना हो तो 200 रुपीज़। और प्राइस टाइम बाय टाइम वेरी करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एंट्री गेट है जहाँ बस आप ऑनलाइन टिकट के बारकोड को स्कैन करके अंदर जा सकते हैं। और एंट्री सिर्फ फिलहाल वेस्ट गेट से होती है। ताजमहल देखने की 2 टाइमिंग है, सुबह सनराइज से 45 मिनट पहले से लेकर दोपहर 12 बजे तक। दूसरी टाइमिंग दोपहर 12 बजे से सनसेट होने के 45 मिनट बाद तक। और ये एंट्री वाला बहुत ही सुंदर सा व्यू आप देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात रहेगी कोरोना के चलते सुबह बहुत ही कम लोग हैं। थोड़ी देर को तो ऐसा लग रहा है जैसे स्पेशल हमारे लिए ही ओपन हुआ है। हमने सिर्फ ताजमहल देखने की टिकट परचेस करी है जो कि सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन है। ताजमहल के ऊपर या अंदर विजिट करने के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। वो हमने इसलिए परचेज नहीं करी क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। और वैसे भी ये खूबसूरत इमारत बाहर से ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये जो पीछे आप बड़ा सा दरवाज़ा देख रहे हैं ये सीढ़ी दरवाज़ा कहलाता है। और अब मेन गेट की तरफ चलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है और ये लाल पत्थर से बना हुआ है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। और बिना किसी देरी के दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत को देख, ये जो ताजमहल के चारों ओर 4 मीनार हैं ये एक दूसरे की तरफ झुकी हुई है। जब आप जाएँ तो गौर से देखिएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इतनी बड़ी इमारत की एक खास बात जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, इसकी कोई नींव ही नहीं बल्कि यह एक खास किस्म की लकड़ी पर टिका हुआ है। यह मेहमान खाना है जो कि राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में यह मस्जिद है जहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। और पीछे यमुना नदी बहती है और यही यमुना नदी ताजमहल के नीचे लगी लकड़ियों को मजबूती देती है, जिसकी वजह से ताजमहल सही सलामत खड़ा हुआ है। तो अब इस खूबसूरत इमारत के कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अमेजिंग फोटोज़ आप सभी को पता है मेरी इंस्टा आईडी हिंदुस्तानी स्ट्रोलर पर देखने को मिलेंगे, जिस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन एंड फॉलो माय इंस्टा आईडी। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी वीडियो। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।